वेलकम अगेन। आज का अपना टॉपिक है स्टेप्स फॉर राइटिंग एन एक्सपोजिटरी एसे। व्याख्यात्मक निबंध लिखने के लिए केड़े केड़े जिहड़े स्टेप्स ने जिन्हां नूं असीं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना जिहड़ा एक्सपोजिटरी एसे कंप्लीट करना हुंदा उह केड़े केड़े है। फर्स्ट है चूज अ टॉपिक। सब तो पहला एक असीं इस तरह का जिहड़ा विषय टॉपिक उह चूज करना हुंदा है जिहदे बारे पहलां तों ही साडे कोल नॉलेज वधिया होनी चाहिए उहदे नाल रिलेटिड है तो सानू इंट्रस्ट भी होना चाहिए। विषय इस तरीके का होना चाहिए कि जिहड़ा एसे है उहनां नाल पूरा इंट्रस्टिंग बन सके ते जिहड़े उहनू पढ़नगे वो तुहाडी दलील नू स्ट्रोंग मनण। स्ट्रोंग मनण मीनस तुहाडे नाल एगरी करन। असीं इक इस तरह का जिहड़ा टॉपिक है वह चूज़ करना हुंदा। नैक्सट है सोर्स ऑफ कंटेंट मीनस अजिहा जिहड़ा ढुकमां असीं ने स्रोत लैणा हुंदा है जिथों असीं अलग अलग तरह के रैफरेंस लै सकते हैं हवाले लै सकते हैं जिहदे नाल कि असीं अपना जिहड़ा एसे है उहनू कंप्लीट करना है। हुण इहदे वास्ते असीं अलग अलग तरह दीआं जिहड़ी जर्नल्स ने बुक्स ने कोई होर लेख लिखे हुए ने पहलां तों एसे जो लिखे हुए ने ते जिहड़े कोई ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट अवेलेबल है साडे एसे नाल रिलेटड असीं उहदी जिहड़ी वरतों इहदे विच कर सकते हैं। तो यह ध्यान दे विच रखना हुंदा है कि जिहड़े असीं रैफरेंस देने ने उह सही होण। नैक्सट है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस कथन देने के लिए हुण ये विषय के टॉपिक के जिहड़े विचार नाल संबंधित उही कथन देने ने जिहड़े कि उहदे नाल रैलेवेंट ने। इस द्वारा तुसीं जो भी कुछ कहना चाहुंदे हो तुहानूं उही कुछ कहने दे विच मदद मिलेगी क्योंकि असीं जिहड़ी स्टेटमेंट है वह रैलेवेंट ही लैनी है। हुण जेकर असीं स्टेटमेंट कोई होर देई जा रहे हां एसे दे विच असीं टॉपिक कोई होर लिया तो साडा जिहड़ा एसे उह सही तरीके नाल कंप्लीट नहीं होएगा। नैक्सट है स्टाइल ऑफ डिवेलपमेंट। फिर जिहड़ा असीं टॉपिक लिया है एक्सपोजिटरी एसे दे लई उहनूं किस तरीके नाल असीं डिवेलप करना है। डिवेलप करना मीनस कंप्लीट करना है लिखना है उहनूं अगे। हुण इहदे विच असीं कुछ एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं कोई जिहड़ा कॉज ते इफेक्ट जिवें कि असीं पहलां पढ़े सी कोई की कारण है की उहदे इफेक्ट निकले ते असीं क्लासीफिकेशन कर सकते हैं तुलना ते भिन्नता भी कर सकते हैं ते जिहड़ा एनालिसिस भी कर सकते हैं प्रक्रिया वाला जिहड़ा स्टैप है वह भी अडोप्ट कर सकते हैं। फिर असीं डिफाइन भी कर सकते हैं कोई भी मीनस डेफिनेशन भी दे सकते हैं। हम डेफिनेशन के नाल नाल असीं कोई भी जिहड़ी कलैरिटी है वह भी नाल देनी हुंदी है। नैक्सट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मीनस उसका आलेखन। ड्राफ्टिंग शुरू करनी है फिर जिहड़े साडे कोल मेन पॉइंट्स हुंदे ने उहनां दी गिणती करनी है तो उन्होंने अगों कंप्लीट करन दे लई होर रिसर्च करना तो जिहड़े साडे कोल रिसोर्स ने जिन्हां दी असीं हैल्प लै रहे हैं उन्होंने वरतते हुए असी हरेक जिहड़ा मेन पॉइंट है उन्होंने असी ने सही तरीके नाल क्लीयर करना हुंदा है मीनस उन्होंने डिवेलप करना हुंदा है। नैक्सट है यूज ऑफ सेंटेंसिस। वाकों की वरतों करनी है। हुण हरेक पैरा जदों असी ने कोई भी पैराग्राफ शुरू करना है अपने एसे का उहदे लई कोई वाक लिखना है। वाक इस तरह का लिखना है जिहड़ा कोई मेन पॉइंट जां कोई जिहड़ा नुक्ता है उहनूं उभारदा होवे मीनस सामने लैके आउंदा होवे जिहड़ी गल असीं अगे उस पैराग्राफ दे विच लिखनी है। फिर हरेक पैरे दे विच जिहड़ा उहदा क्लीयर लॉजिक है वह भी देना जरूरी हुंदा है मीनस जिहड़ा असीं ने सेंटेंस यूज़ किया है उहनूं लॉजिकली क्लीयर भी करना हुंदा है। नैक्सट है समरी। समरी हुंदा है सारांश मीनस एंड कंकलूजन टाइप। हुण इस जदों असीं ये सारे छे जिहड़े स्टैप्स ने कंप्लीट कर लैने तो उस तों बाद जिहड़ा सत्तवां स्टैप है उहदे 'च है वी जिहड़े सारे असीं पॉइंट्स लए सी उहनां दा इक जिहड़ा कंकलूजन है जिहड़ी समरी है वह तैयार करके लिखनी हुंदी है। हुण जिहड़ा एसे आ उहनूं असीं इस तरीके नाल कंप्लीट करना है कि जिहड़े पाठक ने उहनां नूं होर क्यूरियोसिटी होवे कि जिहड़ा लिखण वाला है होर इस तरह दी राइटिंग्स लिख के कदों पाएगा कदों स्कूल का जिहड़ा नोटिस बोर्ड है डिस्प्ले बोर्ड है उत्थे ये लगियां होणगियां। तो जिहड़ा समरी पैराग्राफ है उहदे ध्यान रखना है भी इहदे 'च असीं कोई नवीं गल नहीं ऐड करनी कोई नवा इस तरह का पॉइंट ऐड नहीं करना जिहनूं सानूं होर अगों एक्सप्लेन करन दी जरूरत पवे। डियर स्टूडेंट्स ए सी स्टैप्स फॉर राइटिंग एन एक्सपोजिटरी एसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।